सो हेलो एवरीवन, आज हम लगाने जा रहे हैं यूके SSSC फॉरेस्ट गार्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि हुआ था 14 फरवरी 2021 में। ये शिफ्ट फर्स्ट थी। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? तो कौन सा नहीं? ऑप्शन ए है वागेश्वरी, ऑप्शन टू वीणापाणि, ऑप्शन थ्री कमला, ऑप्शन फोर शारदा। इसका आंसर होगा कमला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्वय का अर्थ है। अन्वय का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है वाक्यकरण की अनुरूपता, वाक्य की अनुरूपता, शब्दों की अनुरूपता, ध्वनि की अनुरूपता। इसका आंसर होगा वाक्य की अनुरूपता। अंगुली का तद्भव रूप है अंगुल, अंगूरी, उंगली, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा उंगली। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है, इनमें से कौन सा वाला स्त्रीलिंग शब्द है? आज्ञा, आच्छादन, मातृत्व, आदेश। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन वन आज्ञा। निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद व्यंजन संधि से संबंधित नहीं है? ऑप्शन वन है जगत प्लस नाथ, सम प्लस सार, नी प्लस संधे, तत् प्लस लीन। तो इसका बहुत ईजी आंसर है नी प्लस संधे, क्योंकि नी प्लस संधे विसर्ग संधि है। सीलबंद शब्द है, ऑप्शन वन है तत्सम, संकर, दिशज, विदिशज। इसका आंसर होगा संकर। डिंगल पिंगल का संबंध है, तो डिंगल पिंगल का संबंध कहाँ से है? डिंगल पिंगल का संबंध है आपका कहाँ से? राजस्थान से। ठीक है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, अयुग्मक वर्णों का प्रयोग होता है। ऑप्शन वन है संयुक्त व्यंजन के रूप, ऑप्शन टू स्वर के रूप में, ऑप्शन थ्री अनुस्वर अनुनासिक के रूप में, ऑप्शन फोर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा अनुस्वर अनुनासिक के रूप में। परिमाणवाचक भेद है, तो परिमाणवाचक किसका भेद होगा? विशेषण का। ठीक है, संसद शब्द में संज्ञा है, संसद शब्द में कौन सा संज्ञा होगी? जातिवाचक, बहुवाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसका होगा समूहवाचक। ठीक है, हिंदी वर्णमाला के अनुसार कौन सा वर्ण पंचम अक्षर है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये भी, च, ड, ध, म। तो कौन सा होगा? म। भक्तिन महादेवी वर्मा की किस विद्या की रचना है? तो भक्तिन महादेवी वर्मा की किस विद्या की रचना है? आत्मकथा, जीवनी, कहानी, संस्मरणात्मक रेखाचित्र। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन फोर, संस्मरणात्मक रेखाचित्र। ठीक है, निम्नलिखित में से पर विशेषण है, तो पर विशेषण कौन सा होगा इसमें? ईमानदार, कुशल, पराक्रमी, अत्यंत। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन फोर, अत्यंत। निम्नलिखित में से देशज शब्द है, देशज शब्द कौन सा होगा इसमें? झोला, चण, अखबार, नमक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन वन, झोला। अस्तबल की बला बंदर के सिर लुकक्ति का सही अर्थ है। आंसर ऑप्शन वन, किसी का दोष किसी और पर मड़ा जाना, सॉरी, गलती करके रौब जमाना, बेकार की वस्तु दूसरों के मत्थे मरना, कहा जाए कुछ समझा जाए कुछ। तो इसका आंसर होगा किसी का दोष किसी और पर मर जाना। ठीक है, अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शेखर जोशी की रचना है, शेखर जोशी की रचना कौन सी है? पहाड़, कोसी का घटवार, पंच परमेश्वर, सोने का किला। तो इसका आंसर होगा कोसी का घटवार। निम्नलिखित में से आगत शब्द है, आगत शब्द कौन सा शब्द होगा? तुंद, दोपहर, दुर्वा या अखबार। तो इसका आंसर होगा अखबार। यह लड़का शरारती है, इस वाक्य में यह शब्द है? सर्वनाम विशेषण, पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम या कर्मकर्ता। इसमें क्या होगा आंसर? सर्वनामिक विशेषण। निम्नलिखित में से एकाक्षरी शब्द है, भाषा होगा सॉस, महिला या कमल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन दो, सॉस। विच प्लेस हैज़ बीन डेवलप्ड एज अ सेंचुरी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रेयर वाइल्ड एनिमल इन उत्तराखंड? बिनसर, ताड़ी खेत, शीतला खेत या रानी खेत। मैं आपको इसका इस क्वेश्चन को हिंदी में बताऊंगा। हिंदी में है ये कि उत्तराखंड में दुर्लभ जंगली जानवरों के संरक्षण के लिए किस स्थान को अभयारण्य के रूप में विकसित किया गया है? ऑप्शन वन है बिनसर, ताड़ी खेत, शीतल खेत, रानी खेत। तो इसका आंसर होगा बिनसर। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने भारत में दलविहीन लोकतंत्र का प्रस्ताव रखा? तो किसने रखा था दलविहीन लोकतंत्र का प्रस्ताव? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, विनोबा भावे, मोहनदास करमचंद गांधी या जयप्रकाश नारायण। तो इसका आंसर है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने लोकतंत्र में दलविहीन का प्रस्ताव रखा, लोकतंत्र भारत में दलविहीन लोकतंत्र का प्रस्ताव रखा। ठीक है, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन वन है टिहरी, टू नरेंद्र नगर, थ्री देहरादून, फोर इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ हुई थी? देहरादून में। सोमपुर महाविहार किस शासक ने बनाया था? कुमारगुप्त प्रथम ने, हर्ष ने, धर्मपाल ने, जयसेन ने। तो किसने बनाया था ये? धर्मपाल ने। सोमपुर महाविहार धर्मपाल ने बनाया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का रेल मार्ग नहीं है? रामनगर, काशीपुर मुरादाबाद, हरिद्वार, रायवाला, डोईवाला, काशीपुर खटीमा टनकपुरी, डोईवाला, देहरादून, उत्तरकाशी। तो कौन सा वाला नहीं होगा? रामनगर, काशीपुर, मुरादाबाद, क्योंकि मुरादाबाद यूपी में आता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मैंग्रोव वन नहीं पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव वन किस क्षेत्र में नहीं पाए जाते? गंगा के, कावेरी, महानदी या गोदावरी। तो कहाँ नहीं पाए जाते हैं? कावेरी, कावेरी डेल्टा में। ठीक है, उत्तराखंड की राज्य तितली है, कॉमन पीकॉक, कॉमन बटरफ्लाई, कॉमन लोटस, कॉमन रोज। अब कई लोग कॉमन पीकॉक और कॉमन बटरफ्लाई में कन्फ्यूज़ हो गए होंगे, तो आप कन्फ्यूज मत होइए, उत्तराखंड की राज्य तितली है कॉमन पीकॉक। ठीक है, डालियों का डगरिया नामक गैर सरकारी संगठन एनजीओ के संस्थापक कौन है? डालियों का डगरिया नामक गैर सरकारी संगठन एनजीओ के संस्थापक कौन है? कौन है? इसका आंसर है चंडी प्रसाद भट्ट। ठीक है, मौद्रिक नीति का उद्देश्य है आंतरिक मूल्य का स्थिरीकरण, धन की स्थिरता, अधिक आर्थिक विकास, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी।
मोलाराम की चित्रकला किस लिए प्रसिद्ध है? कांगड़ा शैली के लिए, बसोली शैली, गुलेर शैली या गढ़वाल शैली? तो इसका आंसर होगा गढ़वाल शैली। ठीक है, एम एस वर्ड में किसी दस्तावेज के संपूर्ण सामग्री का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है, कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस एस या कंट्रोल प्लस एच? तो किसका इसका आंसर होगा ऑप्शन वन, कंट्रोल प्लस ए का। ठीक है, रेजिन लीसा निम्नलिखित में से किस वृक्ष का जैव उत्पाद है? तो ये तो आपको आना चाहिए, या आपने बचपन से देखा होगा, आप पहाड़ में रहे हो, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन थ्री, पाइन। निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त वर्णमाला और संख्या कौन सी होगी? तो आप देखिए कि इसमें एक सीक्वेंस बन रहा है, अगर ए 28 में आ रहा है फिर इसका मतलब बी 27 में आएगा, और सी आ रहा है 26 में, इसका मतलब डी आ रहा है आपका 25 में, और ई आर 24 में, आपका एफ आ रहा है 23 में, और जी आ रहा है 22 में। ठीक है, और आपका एच आएगा तब, आपका एच किस में आएगा तब, जरा बताइए मुझे कोई, एच आपका आएगा 21 में। ठीक है, और आई आएगा आपका 20 में, यहाँ पर आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फोर, आई बाई 20। ब्रह्मदेव के राजवंश से संबंधित थे, ब्रह्मदेव किस राजवंश से संबंधित थे? इसका आंसर क्या होगा, जरा कोई बताइए मुझे, ब्रह्मदेव थे आपके पत्यूरी राजवंश से संबंधित। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, बैडमिंटन, ड्रॉप सर्विस, स्नूकर, स्मैश, ट्रिपल जंप, मुक्केबाजी, स्टीप अप पिचर, हॉकी सेंटर, पैरेलल बार? तो इसका आंसर आपको आता ही होगा कि आपको दिख रहा है कि बैडमिंटन में ड्रॉप भी होती है और सर्विस भी होती है, तो इसका मतलब यही सही होगा। अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है कहाँ है, गोमुख ग्लेशियर, सतोपंत ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर, कपनी ग्लेशियर? तो इसका आंसर आपका सतोपंत ग्लेशियर। उत्तराखंड की क्षेत्रीय भाषा में भूकंप के बारे में जन जागरूकता के लिए कौन सी फिल्म है, चक्रचाल, डांडी काठी की गोद में, कौथिक, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर है डांडी काठी की गोद में। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायिक समीक्षा की शक्ति देता है? संविधान में आपने अनुच्छेद पढ़े होंगे, तो कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो हमें न्यायिक समीक्षा की शक्ति देता है, कौन सा देता है? वो है आपका अनुच्छेद 13। ठीक है, उत्तर प्रदेश की पृथक पर्वतीय राज्य परिषद का गठन कब किया गया था? तो ये क्या गया था आपका 1973 ईस्वी में, 1955 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में, या 1948 ईस्वी में? तो इसका आंसर आपका 1973 ईस्वी में। चरक किसके दरबार के सदस्य थे, गौतमीपुत्र, सकर्णी, नेहपन, कनिष्क, रुद्रादमन? तो किसके थे, कनक, सॉरी चरक, कनिष्क के। ठीक है, ऑप्शन नंबर थ्री, कनिष्क, चरक कनिष्क दरबार के सदस्य थे। निम्नलिखित में से कौन सा दून उत्तराखंड का हिस्सा नहीं है, कौन सा दून है, कोटा दून, पाटली दून, बाटा दून, हरकी दून? तो कौन सा दून नहीं है, बाटा दून। ठीक है, पृथ्वी की गोलाकार आकृति के कारण 180 डिग्री देशांतर को क्या नाम दिया गया है, ग्रीनविच रेखा, भूमध्य रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या मकर रेखा? इसे मैं इंग्लिश में बताता हूँ, व्हाट नेम इज गिवन टू 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ? ऑप्शन नंबर वन ग्रीनविच लाइन, ऑप्शन टू इक्वेटर, ऑप्शन थ्री इंटरनेशनल डेट लाइन, ऑप्शन फोर कैप्रिकॉर्न लाइन? तो इसका आंसर होगा आपका इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, रेखा सॉरी। ठीक है, अभी आपका राष्ट्रीय शीतजल मात्स्यिकी अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय शीतजल मात्स्यिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, ये आपका भीमताल, नैनीताल में। मुद्रास्फीति के दौरान मुद्रा का मूल्य क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, या इनमें से कोई नहीं? तो मुद्रास्फीति के दौरान मुद्रा का मूल्य घटता है। अब आपको बताएंगे कि मुद्रास्फीति क्या होती है। मुद्रास्फीति स्फीति वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य स्तरों में लगातार वृद्धि है, जिससे मुद्रा की क्रय शक्ति में गिरावट आती है। मुद्रास्फीति के कारण बहुत अधिक पैसा छापना, उत्पादन लागत में वृद्धि, कर बढ़ता है, विनिमय दरों में गिरावट, युद्ध या अन्य घटनाएं जो अस्थिरता पैदा करती है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। ठीक है, अब है सोन नदी किसकी सहायक नदी है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई भी नहीं, तो इसका आंसर आपका सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। माउस के मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? आंसर है भाई, ऑप्शन है वेब पेजों पर क्लिक करने, स्क्रॉल करने, सिस्टम बंद करने, चुने गए आइटम पर क्लिक करने। बहुत ही ईजी क्वेश्चन ये तो, स्क्रॉल करने के लिए, ऑप्शन नंबर टू। गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, ये तो आपको आता ही होगा, 1978 ईस्वी, 1979 ईस्वी, 1976 ईस्वी और 1973 ईस्वी? तो इसका आंसर है 1973 ईस्वी, ऑप्शन नंबर फोर। ठीक है, राकेश की 3 बेटियाँ हैं और प्रत्येक बेटी का एक भाई है, तो परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं? 4, 2, 5 है, राकेश है। राकेश की 3 बेटियाँ हैं और 3 बेटियाँ हैं और प्रत्येक बेटी का एक भाई है, तो बेटियाँ जब 3 हैं, प्रत्येक का एक भाई, तो मतलब भाई एक ही होगा उन तीनों का। ठीक है, तो कितने पुरुष सदस्य हुए, राकेश और उनका भाई एक, तो ये 2 हो गए आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर टू। उत्तराखंड में स्पर्श गंगा अभियान कब शुरू किया गया था? तो उत्तराखंड में स्पर्श गंगा अभियान कब शुरू किया गया था, 2009 ईस्वी में। ठीक है, 10वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2018 कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ किया गया था, जोहान्सबर्ग में। आपको मैं इसके बारे में और जानकारी दूंगा, ब्रिक्स यह ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के लिए एक संक्षिप्त शब्द है। ब्रिक्स नेताओं का शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। ब्रिक्स दुनिया की आबादी का लगभग 40% और विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 30% है। पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2009 में रूसी संघ में होता, ये लाइन आप याद कर लेना। दक्षिण अफ्रीका दिसंबर 2010 में ब्रिक्स में शामिल हुआ, बाद में यह ब्रिक्स बन गया। ब्रिक्स का अपना एक बैंक है जिसे न्यू डेवलपमेंट बैंक कहा जाता है, जिसका मुख्यालय संघई में है। 2018 का 10वां ब्रिक्स सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ।
अब इसकी कुछ जानकारी है। 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित किया गया। 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 नई दिल्ली भारत में आयोजित किया गया था। तो याद रखना कि 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है। अब है फूलदेई त्यौहार किस हिंदी महीने में मनाया जाता है? चैत्र, श्रावण, बैसाखी, भद्रपदी। तो इसका आंसर है चैत्र। हरिद्वार पर आधारित पुस्तक न्यूज़ इन इंडिया के लेखक कौन है? तो कौन इसके लेखक आपके डॉग फ्रांसिस वाइट, ठीक है। हरिद्वार पर आधारित पुस्तक न्यूज़ इन इंडिया के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर 2 जॉब फ्रांसिस वाइट। संयुक्त राष्ट्र संगठन की कहाँ स्थापना हुई थी? जिनेवा में, सैन फ्रांसिस्को में, द हेग में, पेरिस में। तो संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वॉज इस्टेब्लिश इन सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है। अब है भारतीय सेना अकादमी कब कार्यशील हुआ था? तो कब हुआ था कार्यशील भारतीय सेना अकादमी? इसका आंसर है 1 अक्टूबर 1932 ईस्वी को। बिंबिसार किस वंश का था? लिच्छवी, गुप्त, हर्यक, इनमें से कोई नहीं। ये तो आपने पढ़ाई होगा बहुत बार, तो वो था हर्यक वंश का। गढ़वाल के प्रथम जातीय समूह के रूप में किस समूह को जाना जाता है? कोले, पुनिंदा, वनराजी, हुन्ना। तो किसे जाना जाता है? कोले को। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? महानगरों से जुड़ने वाली रेलवे लाइनें, प्रमुख हवाई मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना, सोने के व्यापार मार्ग। तो इसका आंसर है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। सिडकुल का मुख्यालय उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? सिडकुल आपने सुना ही होगा, नैनीताल में, हल्द्वानी में, हरिद्वार में या देहरादून में। तो कहाँ इसका मुख्यालय? देहरादून में। धन का क्या कार्य है? विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापन, मूल्य संचय या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। जोशीमठ औली रस्सी मार्ग की शुरुआत कब की गई थी? तो ये आपकी की गई थी कब? सितंबर 1993 को, सितंबर 1993 में। निम्नलिखित में से कौन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? रैम, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, सीडी। तो कंप्यूटर से काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 रैम। ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी को श्रीनगर से पौड़ी में स्थानांतरित किया गया 1839 ईस्वी, 1842 ईस्वी, 1840 ईस्वी या 1841 ईस्वी। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे 1839 ईस्वी में और 1840 ईस्वी में। तो आयोग का इसमें आंसर है 1848 ईस्वी में। आप एक बार क्रॉस चेक भी कर लेना इस क्वेश्चन को, कहीं कहीं पर इसका आंसर 1839 दिया हुआ है, कहीं कहीं पर 1840 दिया गया। अब आयोग क्या लेता है, ये आयोग ही जाने। दिए गए विकल्पों में से कौन सा अनुचित संख्या युग्म है? 343, 7, 568, 216, 6, 7299। तो कौन सा वाला इसमें अनुचित संख्या युग्म है, ज़रा बताइए। इसका आंसर है आपका 516 या 8, ठीक है। उत्तराखंड में किस एक प्रकार का वन नहीं पाया जाता है? अल्पाइन, शंकाकार, चतुषण, पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय, सदाबहार। तो कौन सा वाला वन उत्तराखंड में नहीं पाया जाता है, इसे मैं इंग्लिश में बताता हूँ। इसका आंसर वैसे है उष्णकटिबंधीय सदाबहार। इसका क्वेश्चन इंग्लिश में है, विच वन टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज नॉट फाउंड इन उत्तराखंड? एल्पाइन, कोनिकल, टेम्परेट, डेसिडियस, ट्रॉपिकल एवरग्रीन। क्या है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ठीक है। अब है भारत की पहली पर्यावरणीय अनुकूल जैव ईंधन संचालित उड़ान ने निम्नलिखित में से किन दो शहरों के बीच उड़ान भरी थी? शिमला और दिल्ली, देहरादून और दिल्ली, चेन्नई और हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलुरु। तो कहाँ भरी थी? ऑप्शन 2 है इसका आंसर, देहरादून और दिल्ली में। बिरती जलप्रपात कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी जिला, अल्मोड़ा जिला, पिथौरागढ़ जिला या चमोली जिला। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? पिथौरागढ़ जिला। बिरती जलप्रपात, बिरती वाटरफॉल पिथौरागढ़ में है, ठीक है। उत्तराखंड के किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र है? पिथौरागढ़, ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार या पौड़ी गढ़वाल। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? ऊधम सिंह नगर में। अल्मोड़ा के सिक्के किससे संबंधित हैं? कुनिन वंश, पौरव वंश, परमन राजवंश या कत्यूरी राजवंश। किससे है संबंधित? कत्यूरी राजवंश से। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, संसद सदस्यों में सबसे वरिष्ठ निर्वाचित सदस्य या राष्ट्रपति। तो कौन करता है? इसका आंसर है लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। झंगोरे की फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? रबी, खरीफ, जायद या उपयुक्त से कोई नहीं। तो कौन सी वाली है झंगोरे की फसल? रबी। 1916 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन 1 है मोहनदास करमचंद गांधी, ऑप्शन 2 मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन 3 एनसी चंद्रवाकर, ऑप्शन 4 अंबिका चरण मजूमदार। तो इसका आंसर होगा आपका अंबिका चरण मजूमदार, ऑप्शन नंबर 4। कुमाऊं परिषद का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? पंडित हरिगोविंद पंत, जयदत्त दोषी, भोले दत्त वकील, पंडित लक्ष्मी दत्त शास्त्री। तो कुमाऊं परिषद का गठन 1916 में हुआ था और इसका पहला अधिवेशन 1917 में हुआ और इसका पहला अध्यक्ष कौन माना था? जयदत्त जोशी। हिमालय पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है? किसका उदाहरण है हिमालय पर्वत श्रृंखला? अप्सुस पर्वत का, ब्रह्म पर्वत का, ज्वालामुखी पर्वत का या बलित पर्वत का। तो इसका आंसर होगा आपका किसका बताइए आप? अवशिष्ट का, ब्रांच का, ज्वालामुखी का या वलित का। तो इसका आंसर आपका बलित पर्वत का। अब मैं इसे इंग्लिश में बताऊंगा। द हिमालयन माउंटेन रेंज इज एग्जाम्पल ऑफ रेजिडुअल माउंटेन, फ्लेक्चुअल माउंटेन, वॉल्केनिक माउंटेन या फोल्डेड माउंटेन। इसका आंसर आपका फोल्डेड माउंटेन। क्वेश्चन नंबर 74 आपका, चाय के बीज उत्तराखंड में अंग्रेजों द्वारा खरीदे गए थे? नेपाल, श्रीलंका, चीन या भूटान। तो कहाँ से खरीदे गए थे? चीन से। निम्नलिखित में से समूह नृत्य हैं छोरा, चांचरी, छपेली, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर है चांचरी।
भारत में जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन है? गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री। जीएसटी का फुल नेम क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, और ये होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। तो इसका अध्यक्ष कौन है? जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन है? वित्त मंत्री। ठीक है। आईएसपी का फुल फॉर्म है, तो क्या है आईएसपी का फुल फॉर्म? इंटरनेट सेवा प्रोमोटर, इंटरनेट सेवा प्रदाता, इंटरनेट सेवा प्रदाता, इंट्रानेट सेवा प्रदाता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका इंटरनेट सेवा प्रदाता, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षरों का समूह दिए गए श्रृंखला को पूरा करेगा? तो आप देखिए श्रृंखला को और तब आप अपना आंसर दीजिए। ठीक है, तो कौन सा करेगा? जैसे ये है ए बी, तो यहाँ पर आएगा आपका दोबारा बी, फिर तीन सी, फिर ए, फिर दोबारा बी आएगा। ठीक है, बी सी सी, फिर ए आएगा, बी बी सी ए, बी बी। बताइए कौन सा आपका इसका आंसर? बी बी ए सी। ठीक है, यहाँ पर आएगा बी, दो बी है, तीन सी आएंगे, फिर आपके फिर से आपका दो भी आएंगे, तीन सी आएंगे, फिर आपका क्या आएगा? दोबारा से सी आएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है आपका 22 मई को। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों के बारे में प्रावधान है? तो किस भाग में प्रावधान है पंचायतों के बारे में? भाग 2, 3, 9, 5। तो इसका आंसर है 5, भाग 9 में। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अब विलुप्त होने के कगार पर है? क्रेन, कॉर्वस, पर्वतीय बटेर, हिमालयन कोयल। कौन सा है? पर्वतीय बटेर। संयुक्त राष्ट्र संघ के लोगों में दिखाया गया पत्तियों से संबंधित पौधा है? पवित्र अंजीर, आम, पाइनस, जैतून। तो कौन सा वाला है? जैतून। जैतून को बोलते हैं इंग्लिश में ऑलिव। ठीक है, तो आपको शायद ये क्वेश्चन समझ नहीं आया होगा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन को। तो आपने देखा ही होगा संयुक्त राष्ट्र संघ का सिंबल, ये जो ये आपको दिखा रहा है लास्ट के ब्लू ब्लू पत्तियों में, यही पूछ रहा है वो। तो ये किसका है? जैतून का। देखिए यूके ट्रिपल सी आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई फिक्स नहीं इसका, तो आप अपनी तैयारी यहाँ ढंग से करिए। ठीक है। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? नरसिंह वर्मन प्रथम, समुद्रगुप्ता, राजेंद्र प्रथम, कुलोटुंग। तो इसका आंसर है आपका नरसिंह वर्मन प्रथम। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम से होता है? विलम हिमनंद, गंगोत्री हिमनंद, अंगसी ग्लेशियर, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ से होता है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम? अंगसी ग्लेशियर से। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए देय प्रीमियम है? 12 रुपये प्रतिवर्ष, 150 रुपये प्रतिवर्ष, 330 रुपये प्रतिवर्ष, 500 रुपये प्रतिवर्ष। तो इसका आंसर होगा आपका 330 रुपये प्रतिवर्ष। 5 नवजात शिशुओं को डॉक्टर द्वारा तोला गया, ये आप पढ़ लेना, इसका आंसर होगा आपका वैसे डी। ठीक है, एक बार आप क्वेश्चन ढंग से पढ़ लीजिए। 1952 ईस्वी में कम्युनिस्ट पार्टी के किस नेता ने उत्तराखंड राज्य की मांग भारत सरकार को सौंपी थी? सीपी पंत, चारू मजूमदार, पीसी जोशी, इनमें से कोई नहीं। तो किसने की थी? पीसी जोशी ने। धालीपुर जल विद्युत परियोजना स्थित है? तो कहाँ है धालीपुर जल विद्युत परियोजना? यमुना नहर में। स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 19 में। इबादत खाना में स्थापित किया गया था? इबादत खाना फतेहपुरी सिकरी में स्थापित किया गया था। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम है? तो रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम होता है काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। सार्वजनिक उद्यम संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है स्थित सार्वजनिक उद्यम संस्थान? हैदराबाद में। कौन सा समुच्चय R 3 2 के बराबर है? तो देखें कि इसमें क्या आ रहा है। जैसे 8 है, अगर मैं 8 का स्क्वायर करूँ, 64 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का 4 होता है। अगर मैं 64 में 1 काटूँ 63, 3 3 9, 9 में 1 काटूँ 8, 2 2 9 4, 4 में 1 काटूँ 3। तो इसका आंसर आपका 63 83। पहला विधानसभा चुनाव उत्तरांचल वर्तमान में उत्तराखंड में हुआ, कब हुआ था? 2002 ईस्वी में। केदारनाथ की स्थापना से संबंधित केदारकंठ पर्वत किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है? टूंस नदी पर। ठीक है, टूंस नदी पर स्थित है केदारनाथ की स्थापना से संबंधित केदारकंठ पर्वत, टूंस नदी पर स्थापित स्थित है, सॉरी। नीचे दी गई 4 आकृतियों में से 3 एक गुणधर्म के आधार पर समान है और 1 उनसे भिन्न है, निम्नलिखित में से भिन्न आकृति कौन सी है? देखो रीजनिंग काफ़ी ईजी दी गई है इन्होंने, तो आप देख लीजिए कि कौन सी होगी इसमें भिन्न, इसमें ये वाली है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का उद्देश्य है क्या है? 14 से 18 वर्ष तक के सभी बच्चों को गुणवत्ता आधारित शिक्षा प्रदान करना, वर्ष 2020 तक सार्वभौमिक ठहराव, दूरस्थ क्षेत्रों के छात्रों के लिए आवासीय विद्यालय उपलब्ध कराना, उपरोक्त सभी। तो क्या है? उपरोक्त सभी। कबूतरी देवी का संबंध किससे है? कबूतरी देवी का नाम आपने बहुत सुना होगा, लोकगीत, लोक नृत्य, लोक कथाएं, लोक चित्र, किससे है? लोकगीत से। उत्तरांचल अब उत्तराखंड किसके द्वारा बनाया गया था? उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम। तो ये आपका पहला ही ऑप्शन सही है। एक घन हमेशा होता है, 8 कोने, 6 चेहरे, 12 किनारे। इसका आंसर आपका ऊपर के सभी। तो धन्यवाद मेरी वीडियो में बने रहने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड में यूके ट्रिपल सी कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है,
इसके लिए आप अपनी तैयारी ढंग से कीजिए, और मैं अभी नेक्स्ट और अलग अलग क्वेश्चन पेपर लेके आऊँगा। आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।